सालार की पार्ट वन में क्या सच में देवा और वरदा की दुश्मनी हो चुका है? अगर दुश्मनी हो चुका है तो डायरेक्टर क्यों नहीं दिखाए? और लास्ट में जो विलियन की एंट्री होते हैं, जिसके बारे में राजा मन्नार कहते हैं, वो असल में कौन है? और जो सालार की पार्ट टू है वो कब आने वाला है? जैसे कि सालार का पार्ट वन तो 2023 दिसंबर 22 को आ गया, लेकिन सालार का जो पार्ट टू होने वाला है वो क्या सच में 2024 में आने वाला है? तो गाइस आज इसी बारे में बात करेंगे और सालार पार्ट टू की कहानी क्या होने वाला है तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखना। सालार पार्ट वन सीज फायर। इंटरवल से पहले राधा रामा ने बताते हैं कि वरदा एंड देवा के बीच में दुश्मनी हो चुका है और देवा का आंसर आ चुका है, वरदा उसको मार देगा। लेकिन ये जो दुश्मनी है वो तो सालार पार्ट वन में देखने के लिए नहीं मिला। अब बहुत सारे ऑडियंस ये सोच रहे हैं कि ये दुश्मनी कब देखने के लिए मिलेगा। देखो सालार की पार्ट टू आने वाला है, लेकिन सालार की पार्ट टू में वरदा एंड देवा की फाइट सीन दुश्मनी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये सालार पार्ट थ्री में देखने के लिए आपको मिलेगा। जैसे कि मेकर्स अनाउंसमेंट किए थे कि सालार पार्ट वन आएगा, सालार पार्ट टू आएगा, लेकिन सालार पार्ट थ्री भी आने वाला है। और सालार पार्ट थ्री की कहानी क्या होने वाला है असल में? देखो सालार पार्ट टू का कहानी क्या होने वाला है? और अभी सालार पार्ट टू में घनियार के ट्राइब के साथ फाइट होने वाला है। जैसे कि घनियार की तीन बंदे मर चुके हैं, वो है कि रंगा, विष्णु, नारंग और तीन खतरनाक बच्चे हैं। और मन्नार की ट्राइब से अभी राजा मन्नार जिंदा है, राधा रामा, वरदा, रुद्रा, बच्ची, ओम सब जिंदा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सालार पार्ट टू में घनियार के ट्राइब के साथ जो फाइट सीन होगा सालार का, वो आपको देखने के लिए मिलेगा और वरदा सिंहासन में जाएगा। और लास्ट में ये जो फाइट सीन दिखाया गया था जो इंटरवल के पहले, जिसमें बताया गया था कि वरदा और देवा के बीच में दुश्मनी है, ये सस्पेंस रखा जाएगा सालार पार्ट थ्री के लिए। और सालार पार्ट थ्री में आपको देखने के लिए मिलेगा वरदा और देवा की फाइट सीन, एक राजा और उसके सेना की, जैसा आपको पार्ट टू में भी बताया गया है। पार्ट वन की लास्ट क्लाइमैक्स में भी बताया गया है कि जो सिंहासन है वो देवा के लिए है, कि देवा के पिता के लिए था। तो यहाँ पर इस वजह से हो सकता है कि वरदा और देवा के बीच में लड़ाई हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता है मुझे जो लगता है, और लव एंगल तो नहीं था उस टाइम पे। हो सकता है कि वरदा की भाई को देवा ने मार दिया है, सालार पार्ट टू में दिखाया जाएगा। तो इस वजह से हो सकता है कि वरदा एंड देवा की दुश्मनी हो चुका है, क्योंकि वरदा भी बताता है कि उसकी भाई उसकी ज़िंदगी है। तो हो सकता है कि देवा उसका भाई को मार दिया है और वरदा देवा दोनों दुश्मन बन चुके हैं। और जो सालार की पार्ट टू आने वाला है भाई, वो बहुत खतरनाक होने वाला है, जैसे KGF चैप्टर वन एंड KGF चैप्टर टू था। और जो सालार की पार्ट टू है वो KGF चैप्टर टू से बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि KGF चैप्टर टू और सालार की पार्ट वन सीज फायर दोनों काफ़ी फायर है। तो जो KGF चैप्टर थ्री जब आएगा वो तो फायर निकलेगा, लेकिन सालार की पार्ट टू वो काफ़ी ज़्यादा फायर निकलेगा। और जो सालार की जो पार्ट थ्री है भाई, वो उसकी बात अभी मत करते हैं। तो गाइस देखो इसके बारे में, उसकी कहानी के ऊपर एंड सालार पार्ट टू में और कुछ कैरेक्टर नया भी आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो रहा है, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहीं से वीडियो को रोक देते हैं। तो गाइस अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।